नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ बेहतरीन जरूर कर रहे होंगे। हम आप सभी का स्वागत करते हैं द स्लाइड शो डॉट इन के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा हमने अभी कुछ दिन पहले ही निविया एच वाई को 2.0 बैडमिंटन शू को रिव्यू किया था। वो शूज हमें इतने अच्छे लगे कि हमने निविया के एक और शूज पावर स्ट्राइक 2.0 बैडमिंटन शू को रिव्यू करने का फैसला किया। तो चलिए बिना और विलंब किए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो दोस्तों, निविया पावर स्ट्राइक 2.0 को हमने अमेजन से ₹1849 में लिया था और ये शूज आपको फ्लिपकार्ट पर करीबन ₹1869 का मिल रहा है। इस शू के बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिएगा अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो शूज को सेल टाइम्स में लेने की, ताकि आप शूज को बेस्ट प्राइसिंग पर ले सकें। तो चलिए दोस्तों, इस शूज के बिल्ड क्वालिटी, कम्फर्ट और लुक्स के बारे में अब बात कर लेते हैं। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इस शूज का अपर बना हुआ है स्पेशल मैश, जिसके ऊपर टीपीयू मटेरियल फ्यूज किया गया है। शूज के इनर में आपको मोल्डेड कंप्रेस्ड ईवा लेमिनेटेड इनसोल विद पॉलिस्टर फैब्रिक मिल जाता है। नॉन मार्किंग रबर, एंटी स्लिप और री इन्फोर्स टो वाले आउटसोल के साथ साथ फाइलोन मिडसोल, मोल्डेड हील काउंटर और एडजस्टेबल नाइलोन जैसे फीचर्स आपको इस शूज में मिल जाते हैं। हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करें तो हमें बिल्ड डेफिनेटली काफ़ी बेटर लगा इस शूज़ का निविया एच वाई कोड 2.0 के मुकाबले। शूज़ का अपर जो कि पूरी तरह से टीपीयू से फ्यूज्ड है, वो शूज़ के अपर को काफ़ी अच्छा अपर बिल्ड प्रोवाइड करता है। इसका जो आउटसोल है, हालांकि वो काफ़ी हद तक मिलता जुलता है निविया एच वाई कोड 2.0 के आउटसोल से, लेकिन इसके आउटसोल में एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि इसके आउटसोल के सेंटर और साइड एजेस पर एक प्लास्टिक कवरिंग दी गई है जो कि निविया एच वाई कोड 2.0 में नहीं थी। और ये एडिशन डेफिनेटली शूज़ के आउटसोल को काफ़ी अच्छी स्टाइलिंग और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन शूज़ में भी आपको निविया एच वाई कोड 2.0 की तरह ही मोल्डेड हील काउंटर भी प्रोवाइड किया गया है, जो आपके एंकल मूवमेंट को मिनिमाइज करता है किसी भी तरह के हील और एंकल इंजरी से बचाने के लिए। तो दोस्तों, ओवरऑल शू बिल्ड वाइज भी काफ़ी अच्छा लगा हमें। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इन शूज़ के कम्फर्ट के ऊपर। तो निविया पावर स्ट्राइक 2.0 में भी आपको एच वाई कोड 2.0 की तरह ही शू के इनर में मोल्डेड ईवा इनसोल प्रोवाइड किया गया है, जो कि जेल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, ताकि खेलने के दौरान शॉक्स को एब्जॉर्ब करने और किसी भी तरह के इम्पैक्ट को कम करने में ये काम आ सके। और एच वाई कोड 2.0 की तरह ही हमें इन शूज़ की कम्फर्ट क्वालिटी भी बहुत अच्छी लगी। चलिए अब बात करते हैं इन शूज़ के लुक्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम आपको इसके लुक्स को निविया एच वाई कोड 2.0 के कंपैरिजन में बताएं तो डेफिनेटली एच वाई कोड इसके मुकाबले में लुक्स में हमें ज़्यादा अच्छा लगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि निविया पावर स्ट्राइक 2.0 लुक्स में अच्छा नहीं है, ये भी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमें लुक्स में निविया एच वाई कोड 2.0 ज़्यादा बेहतर लगा, जो कि हमारी अपनी पर्सनल ओपिनियन है। अगर हम शूज़ के लुक्स की बात करें तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं, और हमने इन शूज़ को ब्लैक कलर में लिया है, जिस पर ब्लू कलर में अलग अलग जगह काफ़ी अच्छा पैटर्न प्रिंट किया गया है, जो कि शूज़ के लुक्स को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। निविया की ब्रांडिंग भी आपको शूज़ पर देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छा एडिशन है इन शूज़ पर। इसके अलावा शू और आउटसोल की जो कलर मैचिंग है और जो ब्लू प्लास्टिक मटेरियल आउटसोल पर लगाया गया है, वो भी काफ़ी अच्छा बना देते हैं इन शूज़ के लुक्स को। आपको ये शूज़ ब्लैक, ब्लू और रेड कलर में अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों, हम अब इस एपिसोड के अंत तक पहुंच चुके हैं, और फाइनल वर्ड्स हम निविया पावर स्ट्राइक 2.0 शूज़ के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये शूज़ निविया एच वाई कोड 2.0 से करीबन ₹400 ज़्यादा महंगा है, और हमें ये शूज़ कम्फर्ट वाइज तो बिल्कुल सेम ही लगा एच वाई कोड 2.0 के मुकाबले। लुक वाइज भी एच वाई कोड 2.0 ज़्यादा अच्छा है हमारे हिसाब से इस शूज़ के मुकाबले, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वो पॉइंट है जहाँ हमें ऐसा लगता है कि निविया पावर स्ट्राइक 2.0 बेहतर है निविया एच वाई कोड 2.0 के मुकाबले, जिसे आप बैडमिंटन, वॉलीबॉल, स्क्वाश, ट्रेनिंग और वर्कआउट में यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली दोनों ही शूज़ अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बेहतरीन हैं, और आप अपने बजट के हिसाब से इन दोनों में से कोई भी शूज़ ले सकते हैं। इन दोनों ही शूज़ के बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। हम आशा करते हैं कि आपको आज का ये रिव्यू एपिसोड पसंद आया होगा। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके प्यारे कमेंट्स, आपके प्यारे लाइक्स, आपके प्यारे सब्सक्रिप्शंस हमें बहुत हिम्मत देते हैं ऐसे ही अपलोड्स करते रहने के लिए। तो चलिए, वह आप सभी से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।